पुष्पा टू को और बड़ा करने के लिए, इसका साम्राज्य और ज्यादा करने के लिए सुकुमार साहब का कहना है कि हम OTT राइट्स नहीं दे रहे, आपको मूवी देखनी है तो आप थिएटर में ही आके देखें, उसके बाद हम TV को राइट दे देंगे, OTT पे वाला सीन हम नहीं करेंगे। और भाई ये बहुत तगड़ा मूव है। देखिए असली समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलती से समझ ले, खुद की गलती करके ना समझे, और ऐसा ही किया है मिस्टर सुकुमार जो कि डायरेक्टर हैं पुष्पा मूवी के। देखिए विक्रम मूवी रिलीज हुई थी और OTT पर आ रही है वो 8 तारीख को, यानी कि कल, और फैंस चाह रहे हैं कि ये मूवी थिएटर पर ही रहे क्योंकि OTT से उतरते ही थिएटर से गायब हो जाएगी क्योंकि कौन थिएटर वाला इसे चलाएगा। और मास और क्रेज मूवी का अभी भी बरकरार है, कमल हसन साहब, विजय सेतुपति, सूर्या की वो सस्पेंस वाली पोस्ट क्रेडिट सीन में एंट्री, फहद फाजिल, मूवी बड़ी जबरदस्त रही। और अब पछता रहे हैं मूवी के मेकर्स डायरेक्टर्स कि भैया क्यों दे दी OTT राइट्स इतनी जल्दी वाले। और अब सुकुमार साहब ने क्लियरली मना कर दिया है पुष्पा 2 को लेकर। कुछ दिन पहले सुकुमार जी का इंटरव्यू आया था कि वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बनाने जा रहे हैं, बजट बेशक थोड़ा कम रहेगा लेकिन ऐसा थ्रिल, एक्शन और कहानी आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। पुष्पा 2 की शूट भी स्टार्ट कर ली गई और भाई दिखता है वो रेज अल्लू अर्जुन में दिखता है। सुकुमार की डायरेक्शन हर टाइम बेस्ट रहती है। लास्ट मूवी मैंने रंगस्थलम देखी थी, उसके बाद देखी मैंने पुष्पा, दोनों ही मूवी ने ना कहर ढा रखा था भैया। और अब पुष्पा 2 को और बड़ा करने के लिए, इसका साम्राज्य और ज्यादा करने के लिए सुकुमार साहब का कहना है कि हम OTT राइट्स नहीं दे रहे, आपको मूवी देखनी है तो आप थिएटर में ही आके देखें, उसके बाद हम TV को राइट दे देंगे, OTT पे वाला सीन हम नहीं करेंगे। और भाई ये बहुत तगड़ा मूव है क्योंकि 30-40% जनता ऐसी है जिनके पास नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, हॉटस्टार है, जी है, और नहीं है तो भैया दोस्तों का मांग लेते हैं और सोचते हैं कि फिल्म आ गई 5-10-15 दिन बाद आ ही जाएगी ना नेटफ्लिक्स पे, वहां देख लेंगे। और ऐसा सच में हो रहा है, बहुत सारी मूवीज के साथ हो रहा है, मूवीज आई और विद इन अ वीक आपको दिख जाएंगी या सेकंड वीक आपको वो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार पर दिख जाती हैं। तो ये वाला रिस्क सुकुमार साहब ले ही नहीं रहे। उनका कहना है कि मैं रिलीज ही नहीं करूंगा OTT पे, ना तो मेरी मूवी आपको नेटफ्लिक्स में मिलेगी ना दिखेगी आपको अमेजोन प्राइम के ऊपर। एंड भाई इस बात की भी गारंटी है ये तगड़ी चलेगी थिएटर में। अब लोगों को समझ आ गया मिलेगी नहीं OTT पे तो भर भर के देखेंगे, एंड इस मूव से बाकी डायरेक्टर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं पुष्पा 2 को लेकर, और ये कितना सही है कितना गलत उन लोगों के लिए जिनके पास नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार जैसी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़, नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।